हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। ज़िंदगी में अगर कहा जाए कि एंटरटेनमेंट ना हो तो ज़िंदगी एक बोरियत सी लगने लगती है। आज मैं उसी शो के बारे में बात करने लगती हूँ जो कि आपका हिट लिस्ट में है, TRP अच्छी दे रहा है, और जो है अगर वो शो आपको बोर करे तो यकीन मानिए प्रोड्यूसर उसमें कुछ नया करने की तैयारी में लग चुके हैं। मैं बात कर रही हूँ Star Plus का मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा, जिसे भाई मीडिया बैन भी कहा जाता है। ऐसे में जो है TRP में धमाल मचा रहा है। जहाँ TRP सब शो की गिर रही है, वहाँ अनुपमा को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जब इस शो में लीप नहीं आया था तो इसकी कहानी बोर कर रही थी, लीप देते ही इसने फिर से नंबर वन की पोजीशन ले ली और जो है फैंस के दिल में जगह बना ली। ऐसे में इन दिनों काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा नज़र आ रहा है। सब लोग अमेरिका पहुंच जाएंगे और पहुंच भी रहे हैं। इसी के बीच में 5 साल बाद शो में 5 साल बाद अनुपमा और बापूजी आमने सामने होंगे, जहां बापूजी की इच्छा पूरी हो जाएगी अपनी अनु को देखकर, और अनु के मन में भी जो भी सवाल जो भी दुख है वो सब अपने बापूजी के सामने बोल दी। अब ऐसे में अब अनुपमा की कहानी पूरी बदलने वाली है। जहां पे बात आती है एग्जिट की, तो आपके प्यारे शो अनुपमा में जो श्रुति है उनकी एग्जिट होने वाली है। अब कौन सा उनका पर्दाफाश होगा जो उनकी एग्जिट हो जाएगी, या कौन सा वो प्लान बना रही हैं अनुज और अनुपमा को एक करने के लिए? भाई दोनों तरफ सोशल मीडिया में न्यूज़ चल रही है। एक तरफ है कि उनका पर्दाफाश हो जाएगा और अब उनकी एग्जिट होगी। दूसरी तरफ न्यूज़ चल रही है कि जो श्रुति है वो जो है अनुज और अनुपमा को शादी के मंडप पर लाएगी और उन दोनों की शादी कराएगी। अब देखना होगा कि अनुपमा क्या शादी के लिए रेडी हो जाएगी और क्या छोटी अनु ये चीज़ एक्सेप्ट करेगी। तो ऐसे में फ़िलहाल तो एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है कि आपकी प्यारी सुकृति कंडपाल, यानी कि जो श्रुति का रोल कर रही हैं, वो शो से एग्जिट होंगी। तो आपको क्या लगता है कि शो की कहानी वाकई IPL की वजह से बदलने वाली है, या फिर इस ट्रैक शादी को काफ़ी खींचा जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।